चैनल कार इंटीरियर, तो हम आपके लिए एक और लेके आ चुके हैं न्यू 2020 थार। आइए हम अपना काम दिखाते हैं, उसके अंदर हमने क्या क्या किया हुआ और कैसे कैसे किया हुआ, आइए दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम डोर क्लॉथ की बात करेंगे, तो इसमें हमने ऊपर की तरफ लेदर रैप किया हुआ है सी ब्राउन के अंदर, सी ब्राउन की स्टिचिंग। और हमने इसके अंदर ये जो पार्ट आता है आपका थार, आपने लिखा हुआ देखा होगा सिल्वर पार्ट, इसको हमने कार्बन फाइबर में कन्वर्ट किया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग, इसके मैचिंग के हिसाब से हमने ये कटोरी जो आती है ब्लैक कलर की, इसको हमने पेंट किया हुआ है टैन कलर। तो हमने ये गत्ते का टैन और ब्लैक का और ये कार्बन फाइबर का हमने कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, जैसे कि आप गत्ते वत्ते सब चीज़ देख सकते हो, काफ़ी इसकी लुक अलग आ रही है। स्टिचिंग की बात करें तो स्टिचिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट स्टिचिंग मिलेगी आपको देखने को, कोई जहाँ कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं मिलेगी आपको। हम बात कर लेते हैं इसके डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड के ऊपर हमने लेदर रैप किया हुआ है। जैसे कि आप कंपनी फिटेड देखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, ब्लैक पार्ट होता है, सिर्फ ओनली पार्ट होता है इसके अंदर ब्लैक। तो हमने इसके ऊपर क्या करा है, लेदर रैप किया हुआ है स्टिचिंग के साथ, तो सी ब्राउन के हमने स्टिचिंग इसके अंदर दी हुई है, जैसे जैसे जो भी है वैसे के हिसाब से पैटर्न के हिसाब से हमने दी हुई है। आप वर्क चेक करेंगे तो इसके अंदर देख सकते हैं आप बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सिलाई बैठी हुई है, बिल्कुल कहीं से कोई आपको टेढ़ा मेढ़ा पीस नहीं मिलेगा। और इसके हिसाब से हमने मैचिंग के हिसाब से यहाँ भी ये वाला पार्ट मीटर वाला पार्ट होता है, यहाँ पर प्लास्टिक जो आपका ब्लैक कलर का होता है, इसके अंदर भी हमने यहाँ पर कार्बन फाइबर दिया हुआ है। इसके जो एसी के ग्रिल होते हैं उसके अंदर हमने कार्बन फाइबर दिया हुआ है। और आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एसी का वो नहीं है, तो यहाँ पर ये लाइट वाला लगा रहे हैं, तो इस वजह से अभी नहीं लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं इसका नीचे का जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट हमने यही टैन ब्लैक अपना टैन और सी ब्राउन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो इसके मैचिंग के हिसाब से हमने कर लेते हैं स्टेयरिंग कवर की, तो स्टेयरिंग कवर में हमने सी ब्राउन में रैप किया हुआ है। अपना नापा एक मटेरियल होता है जो लेदराइट का होता है, आर्ट लेदर बोलते हैं जिसको, उसका ही एक वर्जन होता है, तो उसमें हमने ये रैप किया हुआ है। स्टिचिंग आप देख सकते हैं, इसको हम स्टार स्टिचिंग बोलते हैं, वो हमने इसके अंदर दी हुई है, हाईलाइट की हुई है। और जैसे कि आप इसका देख सकते हैं हॉर्न पैड, तो वही मैचिंग के हिसाब से जो गाड़ी का कॉम्बिनेशन चल रहा है उसके हिसाब से हमने हॉर्न पैड इसका टैन में हमने कन्वर्ट किया हुआ है। नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पर जो सिल्वर पट्टी एक आती है आपके जो आपके लोअर मॉडल में जो यहाँ पर सिल्वर पट्टी होती है, उसको हमने कार्बन फाइबर में भी कन्वर्ट किया हुआ है। स्टीयरिंग कवर की लुक बता देख सकते हो आप, लुक इसकी बिल्कुल एक्यूरेट आई हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सीट कवर भी इसके फुल बकेट में रखे हुए हैं, वही डुअल टोन में कॉम्बिनेशन चल रहा है। इसकी प्लास्टिक भी हमने वैसी ही पेंट करी हुई है, जैसे इसकी प्लास्टिक आप ओरिजिनल देखेंगे तो ब्लैक में आता है, तो हमने इसकी प्लास्टिक भी वैसी ही इसकी पेंट करी हुई है गाड़ी के अकॉर्डिंग, गाड़ी कॉम्बिनेशन को देखते हुए। हमने इसकी जो सीटों में पैटर्न यूज़ किया है ये डायमंड कट पैटर्न है, इसको डायमंड बोलते हैं, हमने वो यूज़ किया हुआ है। आप सीट कवर की फिटिंग देख सकते हैं, सीट कवर की स्टिचिंग देख सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट होने वाली है। इसकी साइड में हमने सिंगल स्टिचिंग यूज़ की हुई है सी ब्राउन के ऊपर, और टैन के ऊपर हमने डबल स्टिचिंग यूज़ की हुई है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फिटिंग में कोई आपको लूज नहीं, कोई कुछ नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल एक्यूरेट जैसे कंपनी फिटिंग आती है वैसे मिलने वाला है। ये आप देख सकते हैं ये इसका डोर पैनल है, ये कुछ लुक में ऐसा दिखने वाला है होने के बाद। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं डैशबोर्ड की बात करें तो डुअल टोन में डैशबोर्ड है। इसके हमने पिलर आपको दिखाना रह गया था वीडियो के अंदर, इसके हमने ऊपर के जो पिलर पार्ट है वो भी हमने पेंट किया हुआ है। और जैसे कि बात कर लें इसके पिलर पे जो बीच वाले आर्चिस होते हैं, तो हमने उसके ऊपर भी बीच वाला जो स्पीकर वाला पार्ट होता है आपका, हमने उसके ऊपर पेंट किया हुआ है। और जो अपना जो ब्लैक पार्ट होता है आपके जो स्पीकर के जो होता है, उसके अंदर हमने लेदर रैप किया हुआ है स्टिचिंग के साथ, तो हमने इसके अंदर वही सी ब्राउन की सेम स्टिचिंग रखी हुई है। आप देख सकते हैं इसकी लुक लगने के बाद काफ़ी इसकी लुक बदल जाती है गाड़ी की। और ये पूरी गाड़ी है, आप इसको चेक कर लें एक बार। डुअल टोन में अगर कोई गाड़ी बनवाना चाहता है तो ऐसे करवा सकता है, अदर कलर कोई भी करवा सकता है। हमने इसके स्टीरियो पैनल को भी कार्बन फाइबर में कन्वर्ट किया है, इसके आर्चिस पे भी हमने कपड़ा लगा रखा है, गियर नोक गियर बूट सब बना रखे हैं हमने इसके, जैसे कंपनी फिटेड आता है। इसके कंसोल की बात करें तो कंसोल भी हमने वही डायमंड के साथ में सीट कवर के हिसाब से मैचिंग के हिसाब से बना रखा है। इसके पीछे की डायमंड कट में भी हमने बना रखा है अपना कंसोल, जैसा कि आप देख सकते हैं। पीछे की सीट की लुक बताऊं तो सीट के पीछे की लुक ऐसे आने वाली है आपकी, काफ़ी मतलब कि नेचुरल और अच्छी लुक आने वाली है इसकी। और गाड़ी अगर कोई भी देखेगा तो ये कहेगा कि भाई मुझे भी बनवानी है, क्योंकि ऐसी गाड़ी आपके पास ही होने वाली है। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि मेरी न्यू जो वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको मिलती रहे और उसके आप देख करके अकॉर्डिंग कोई भी गाड़ी बनवा सकते हैं। थैंक यू।